तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम की आईडी कैसे बनाते हैं। और अगर आप भी इंस्टाग्राम की नई आईडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सीख जाओगे कि इंस्टाग्राम की नई आईडी कैसे बनाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में अब नए अपडेट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नया प्रोसेस बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम की आईडी बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना है और इसको करना है ओपन। जब पहली बार आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब इंस्टाग्राम की नई आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट पर। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, जिस नाम से आप इंस्टाग्राम की नई अकाउंट बनाना चाहते हो उसका आपको यहाँ पे फुल नाम डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना फुल नाम डालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फुल नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का नया पासवर्ड बना लेना है, 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि किसी को पता ना चले। तो अभी हमने अपना इंस्टाग्राम का नया पासवर्ड बना लिया है, अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा सेव करना चाहते हो अपना लॉगिन, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेट करना है, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेट करना है। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेट पर क्लिक करना है नीचे। सेट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जो भी यूजर नेम, जो भी नेम आपने डाला है उस रिलेटेड जो भी यूजर नेम यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोस्तों अगर आपका यूजर नेम यहाँ पे नहीं आता है, अगर आपके पास दोस्तों इस तरीके से आता है कि आपका यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ अलग नाम इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ पे नाम आ जाएंगे तो उनमें से आप कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर से इंस्टाग्राम आईडी बना रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ईमेल आईडी से मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊं तो यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करना है, और अगर आप ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो नीचे ईमेल पर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अगर आप मोबाइल नंबर से बना रहे हो तो मोबाइल नंबर डाल के आपको करना है नेक्स्ट। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको वेट करना है और आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। अगर आप मोबाइल नंबर से बना रहे हो तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, तो आपको देख लेना है ओटीपी। जैसे कि हम जीमेल में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ईमेल आया होगा, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है ओटीपी आता है तब तक। अब देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर से बना रहे हो तो मोबाइल पर ओटीपी आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं अपना ओटीपी यहाँ पे। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपके सामने आई एग्री का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोसेस हो रहा है तब तक। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से आएगा एड अ प्रोफाइल पिक्चर। तो आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी में अपना प्रोफाइल फोटो लगाना है, इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे एड पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, तो एड पिक्चर पर क्लिक करना है। गैलरी में जाके आपको एक अपना फोटो सेलेक्ट करना है और अपनी प्रोफाइल पर लगा देना है। तो इस वाले फोटो को हम सेट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेता है, तब तक वेट करना है।
उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम स्किप करते हैं और फिर से स्किप करते हैं और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे टिक मार आता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज योर इंटरेस्ट, अब आपका इंटरेस्ट किस में है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं भी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो अब हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, नीचे हमको यहाँ पे एक लोगो देखने को मिलेगा, इस लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों आ चुका है हमारा इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमारा प्रोफाइल फोटो लग चुका है। अब इसमें अगर आप कोई रील या फिर फोटो अपलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पर। प्लस वाले आइकन पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल पे यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ से आप फोटो या कुछ भी अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अब हम ये फोटो अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस होगा, अब आपको ओके करते जाना है। यहाँ पे भी दोस्तों आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।